अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान चिकन चीज़ सैंडविचेस की रेसिपी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपको चाहिए एक अदद बोल, और एक अदद बोल लेने के बाद आपने उसमें ट्रांसफ़र कर देना है तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब मेयोनीज़। मेयोनीज़ डालने के बाद आपने इसमें शामिल करना है 3 टेबल स्पून क्रीम का। मैंने यहाँ पर मिल्क पैक की क्रीम ली है, आप कोई सी भी ले सकते हो। 1/2 टीस्पून सॉल्ट यानी कि आधी छोटी चम्मच नमक का। 1 छोटी चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर यानी कि 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। ये डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। एंड आफ्टर डैट आपने इसके अंदर शामिल करना है जी दूध। दूध इसलिए आपने डालना है क्योंकि ये थिक पेस्ट है अभी, तो आपने इसको थोड़ा सा लाइट करना है, इसका टेक्स्चर थिक ना हो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर इसलिए मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 कप के करीब दूध। मैंने यहाँ पे ऑलपर्स का लिया है यानी कि डब्बे वाला, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, आप ताज़ा दूध भी शामिल कर सकते हो इसमें। दूध डालने के बाद आपने इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें आपस में कंबाइन हो जाए और एक स्मूथ सा टेक्सचर इसका बन जाए क्रीम का। बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए ये, थोड़ा सा लाइट टेक्सचर हो इसका। सो क्रीम हमारी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे मेरे पास श्रेड की हुई चिकन है, ये मैंने बॉईल कर ली थी। मैंने एक अदर चिकन का चेस्ट पीस लिया, उसको बॉईल कर लिया पानी के अंदर, सादे पानी में मैंने बॉईल किया, कुछ भी नहीं डाला था उसके अंदर। बॉईल करने के बाद मैंने जनाब जी उसके रेशे कर लिए जब चिकन का पीस ठंडा हो गया, और ये श्रेड करके मैंने इसमें डाल दिए। तकरीबन 1 कप के करीब ये बनती है, और इसको डालने के बाद क्रीम में हमने मिक्स कर लेना है। गिव इट अ गुड मिक्स। और मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि ये जो है थिक पेस्ट बन रहा है, तो आपने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच दूध शामिल करके दोबारा से इसको मिक्स कर लेना है। ये मेरा बैटर बिल्कुल ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने लेनी है जी ब्रेड। तो ये रेडी हो चुका है हमारा चिकन का मिक्सचर। सो अब मैं ब्रेड लूँगी और ब्रेड की तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास ब्रेड है, और इसके आपने सबसे पहले एजेस को रिमूव कर लेना है। आप सैंडविच ब्रेड भी ले सकते हो, आप सिंपल ब्रेड भी ले सकते हो। मैं आज यहाँ पे सिंपल ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ खुद भी बैठ के खा सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि आप जितने भी बड़े हो जाएं, ऐसी चीज़ें तो सबको ही पसंद होती हैं। और आपने ये घर में ज़रूर ट्राई करना है, बहुत आसानी से बनेगा और चंद ही मिनटों में तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के सारे एजेस को रिमूव कर लिया है। अब आपने एक अदर ब्रेड का स्लाइस लेना है, और इसके ऊपर आपने चिकन का सारा मिक्सचर अच्छे तरीके से अप्लाई कर देना है। मेक श्योर कि आप इसको इतना अच्छे तरीके से स्प्रेड करें कि कोई भी चीज़, कोई भी जगह खाली ना रहे। तो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, इसी तरीके से आपने भी करना है। और बहुत ही क्विक सा 5 मिनट के अंदर बनने वाला ये सैंडविच है, और सबको बहुत पसंद आएगा। तो चिकन की लेयर लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको रख देना है जी साइड पे, और दूसरा आपने ब्रेड का स्लाइस ले लेना है, और दूसरे ब्रेड के स्लाइस के ऊपर आपने लगानी है जी केचप। अगर आपके पास जो है चिली गार्लिक सॉस मौजूद है तो आप वो भी लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो स्पाइसी पसंद करते हैं सैंडविचेस, तो आप यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। अगर केचप नहीं है तो आप इसकी जगह बटर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप मायोनीज भी लगा सकते हैं, इसके अलावा आप चिकन स्प्रेड भी लगा सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। अगर केचप है तो केचप के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। तो केचप मैंने लगा दी, जितनी आपको पसंद है आप उतनी लगा दें। उसके बाद एक अदर चेडर चीज़ का स्लाइस मैंने रखा है, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं मार्केट से, और बहुत ही आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। श्रेड करने की या कद्दूकश करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सैंडविच हमारा तैयार है, इसको मैंने कट कर लिया। देखें जनाब कितना टेम्पटिंग और कितना मज़े का लग रहा है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो पसंद आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये देखें मेरे अल्लाह ताला की कुदरत, ये देखें मेरे अल्लाह ताला की नेमतें जो उसने दी हमारे हाथों में, और वो जायके जो उसने दी हमारे खानों में। तो हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दें, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। इसके अलावा नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगेबान।